जिनके घरों में जवान बच्चे हैं जितना जल्द हो सके उनके रिश्ते कर। लड़का करके रखना हरगिज ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत में डाले रखना है अपने बच्चों को। एक और निगरानी साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। हरगिज हरगिज कोई वालदैन मुतमईन न बैठे कि हमारा बच्चा बिगड़ नहीं सकता। बाहर का माहौल बिंदा गंदा, इस गंदे माहौल में शरीफ से शरीफ घर का बच्चा, बाकिरदार से बाकिरदार बच्चा बिगड़ सकता है। ये ऐसे मान लें जैसे आप हमाम में बैठे हों और बाहर चले कलम निकाल दी है, जनाब सवार हमाम भी है। वो ना बच्चे जो कॉलेजों में हैं, जो यूनिवर्सिटियों में हैं, जो कोचिंग सेंटरों में हैं, जो हिंदुओं के कॉलेजों में हैं, जहां उनको टीके लगाने पड़ते हैं, जहां उनको धावे बांधते हैं, जहां उनको प्रार्थना सभाओं में बिठाते हैं, जहां उनको बदकारियां करवाते हैं, वहां वो अपने किरदार को कैसे बचा सकेगा। इसलिए अपने बच्चों की बड़ी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, मोहब्बतों के साथ, हमदर्दियों के साथ, डांट डपट नहीं। हमारे वालिद बेटा ठीक है आप? जी हाँ ठीक। पैसे से खमदुनी मत जी, खून चुन छा सोरी ठीक, पाला वाला मशे क्या जरूरत, बेमश क्या मजबूरी, पर हिप्रिसस ना निमाशों का पाला, बुराई में तो नहीं फंस गए, किसी लड़कियों के चक्कर में तो नहीं फंस गए, शराब की बुरी आदत तो नहीं लग गई, ये नहीं पूछेगा। जो पूछने की सबसे पहली बात है वो नहीं पूछेंगे। सवाल ना ये मेरा बेटा थोड़ा बिगड़ जाएगा, जिस चीज के बिगड़ने के पैसा तो है उसके पास, सब कुछ है, वो तो अयाशा कर रहा है, काम फसूल खर्चा कर रहा है, तो जो पूछने की बात है वो नहीं पूछता। हमारा सवाल ही सुना, जहां हजारों कश्मीरी नौजवान लड़के और लड़के बाहर के शहरों में हैं, कुछ हिंदुस्तान में कुछ हिंदुस्तान से बाहर, हम हिंदुस्तान में लेते हैं, भोपाल में तकरीबन 15,000 कश्मीरी लड़के और लड़कियां, पूना में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, कहां कहां है, मैं देखता रहता हूं उनको, वो मिलते भी रहते हैं, अपने हालात भी सुनाते हैं और अपनी बुराइयां भी बताते हैं, क्या क्या हाल हो रहा है। अभी मुझे परसों लड़के ने फोन किया, कह रहे जनाब हमें अलीगढ़ में लड़के हैं कश्मीरी लड़के, वो क्रिश्चियन बन गए हैं, उनके वालिदैन को पता ही नहीं है। चेन्नई में कुछ लड़के हैं वो हिंदू बन गए हैं, क्यों साहब, हिंदू लड़कियों के साथ फंस गए हैं और पता नहीं क्या क्या शराब में डांस में लड़कियां डांस करती हैं और सेकंड टाइटे पहन पहन करके। आजमगढ़ से लड़की ने फोन किया, कल का हम कॉलेज में गए, कॉलेज वालों ने कहा तुम्हारी कश्मीरी मुसीबत आ गई है, इन्होंने सारा हमारा समाज बिगाड़ दिया, यहां की लड़कियां जो है वो सेकंड टाइटे पहन करके फिरती हैं, हमारे यहाँ तो तस्वुर भी नहीं था, हमारी बेटियां तो इनसे ज्यादा काबिल है और बुरके में आती थी और तुम्हारी ये लड़कियां निन है और सेकंड टाइटे पहनती है। वाकई जहां है वो कर फर बहुत है, काबिलियत कुछ भी नहीं, जिस चीज में कमाल पैदा करना चाहिए उसमें तो करेंगे नहीं, अयाशों में उड़ाएंगे।